लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। ब्राह्मणी नदी उड़ीसा राज्य की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। नदी श्रीनगर और दक्षिण कोयल नदियों के संगम पर उड़ीसा के ढेंकनाल जिले में राउरकेला के औद्योगिक शहर के पास नगरी गांव के पास से निकलती है। यह नदी लगभग 600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नदी की कुल लंबाई 799 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 541 किलोमीटर उड़ीसा राज्य में स्थित है। सुंदरमगढ़, केंदुझर, ढेंकनाल, कटक और जाजपुर जिलों में ब्राह्मणी नदी पूर्वी घाटों से होकर बहती है। यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व में घूमता है, बोनाईगढ़ और तालचेड़ के क्षेत्रों को पार करता है और फिर नदी की उत्तरी शाखाओं के साथ एकजुट होने के लिए पूर्व की एक ओर मुड़ता है। महानदी और बैतरणी नदियों के साथ नदी धर्म में बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले उड़ीसा तटीय मैदान पर एक बड़ा डेल्टा बनाती है। ब्राह्मणी नदी शंख और दक्षिण कोयल नदियों के दोनों स्रोत झारखंड राज्य में अपना मूल स्थान रखते हैं, जहां शंख नदी की उत्पत्ति झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा के नेतरहाट पठार के पास है। वहीं दक्षिण कोयल का उद्गम झारखंड में लोहरदगा के पास है। ब्राह्मणी नदी के दोनों स्रोत छोटा नागपुर पठार में है और नदी के स्थल का पौराणिक महत्व है। यह महाभारत के संकलनकर्ता वेद व्यास का जन्म स्थान है, इसलिए वर्तमान में इस स्थान को वेद व्यास कहा जाता है। ब्राह्मणी नदी का कुल जल ग्रहण क्षेत्र उड़ीसा में 39,033 वर्ग किलोमीटर है। पूरे राज्य में इसकी कुछ सहायक नदियां बहती हैं। इन सहायक नदियों में से कारोशक और तिरका सबसे उल्लेखनीय है। ब्राह्मणी नदी और उसकी सहायक नदियां उड़ीसा राज्य की संपूर्ण सिंचाई प्रणाली में एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं। उड़ीसा में अंगुल जिले के बोनाईगढ़ शहर के पास ब्राह्मणी नदी पर निर्मित रेंगाली बांध नाम का एक बड़ा बांध है। बांध के परिणाम स्वरूप स्थान के पास ही एक नाम वाला एक बड़ा जलाशय बनाया गया था। जलाशय क्षेत्र में शुष्क भूमि में सिंचित करने में बहुत मदद करता है। रेंगाली बांध के अलावा ब्राह्मणी नदी पर एक बैराज भी बनाया गया है। बैराज को सामल बैराज कहा जाता है और तालचेर के पास स्थित है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.